नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, यस आई हैव द टीम ऑफ द डॉक्टर, सो यू कैन डेफिनेटली टेक द एडवांटेज। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। ये नंबर जो है ना ऑनलाइन कंसल्टेशन वाला, वो हमेशा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीरीज चल रही है आयुर्वेदिक दवा के बारे में, ड्रग रिव्यू। आज का जो दवा है आयुर्वेद का, उसका नाम है अग्निमुख चूर्ण बोल सकते हैं या चूर्ण बोल सकते हैं। जो बैद्यनाथ कंपनी ने जो उसके पैकेज पर लिखा है ना, अग्निमुख चूर्ण, तो चूर्ण और चूर्ण ये एक जैसे ही है। ये पाउडर है, फिर लेने में बहुत आसान है क्योंकि ये स्वादिष्ट है। तो चालू करते हैं इसके बारे में तफसीलवार जानकारी लेने के लिए। अग्निमुख, देखिए नाम से ही पता चलता है, अग्नि का मतलब होता है फायर। फायर, डाइजेस्टिव फायर, पचन शक्ति। अग्नि जो है ना हमारे शरीर में पचन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो यह आयुर्वेद चिकित्सा की शास्त्रोक्त औषधि है। ये स्वादिष्ट भी है और दीपन और पाचन कराने वाला ये चूर्ण, इसका इस्तेमाल हम भूख न लगना, खट्टी डकार आना, जी मचलना, ऐसी पाचन की समस्याओं में प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो संदर्भ है वो योग रत्नाकर नाम का आयुर्वेद का एक बढ़िया ग्रंथ है, उसके अजीर्ण चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब ट्रीटमेंट, अध्याय का मतलब चैप्टर। उस अध्याय में 1 से लेकर 6 नंबर के जो श्लोक है उसमें इसकी दिक्कत और इसकी चर्चा की गई है। अभी आप बोलेंगे, सर ये क्यों अग्नि को प्रबल क्यों बनाता है, कैसे बनाता है? तो कंटेंट देखिए, घटक द्रव्य के ऊपर ही उसकी एक्शन निर्भर होती है। भुनी हिंग, ये जो हिंग है ऐसा फिटीडा, ये हमारी किचन में होता है ना, तो रसोई घर में मसाला है ना, मसाला, तो ये एपेटाइजर है, भूख बढ़ाने वाली। कार्बिनेटिव है और एंटी स्पैज्मोडिक, जो मरोड़ आता है पेट में, पेट दर्द करता है तो उसमें ये बहुत काम आता है। फिलहाल मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा फिटीडा हिंग एक उष्ण तीक्ष्ण गुण वाली दवा है। तो जिन पेशेंट में ज्यादा पित्त प्रधान प्रकृति है, ज्यादा एसिडिटी है, ज्यादा जलन हो रही है, कहां से कहां बर्निंग सेंसेशन है, या मूत्र मार्ग से रक्त स्राव हो रहा है, बवासीर के द्वारा रक्त गिर रहा है, तो उन्होंने ये हिंग वाली जो दवा है वो ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण भी होता है, वो भी जिनको जलन और जिनका रक्तस्राव ये शिकायत है उन व्यक्ति ने नहीं लेनी चाहिए। समझ गई बात, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। उसके आगे है चित्रक मूल। चित्रक मूल का एक पर्याय नाम है अग्नि, तो मतलब ये भी अग्नि वर्धन करने वाली दवा है, पाचन शक्ति अच्छी करने वाली दवा है। पिप्पली, ये भी, ये आप जानते हैं त्रिकटु नाम की एक दवा होती है, शुंठ, मरीच और पिप्पली। तो उसमें शुंठ यहां पर मौजूद है, मरीच नहीं है, पिप्पली भी यहां पर मौजूद है, तो ये दोनों त्रिकटु जो हैं वो भी अग्निवर्धन करने वाली बेहतरीन आयुर्वेद की दवा है। ठीक है, पिप्पली, पिप्पली ज्यादातर सांस मार्ग के ऊपर भी काम करती है। उसके बाद है बच्च, सौंठ भी है। सौंठ का मतलब ये आमपाचक द्रव्य है। आम का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? अपचन के बाद, अपचन के बाद एक विष सदृश पदार्थ हमारे रक्त में मिल घुल जाता है और पूरे शरीर में जाकर अवरोध पैदा कर देता है। तो ये आम जो है, टॉक्सिन जो है, विष सदृश पदार्थ जो है उसको निकाल देने के लिए ये साउंड काम करेगी। और अजवाइन तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, घर जाकर ग्रैंड मास पाउच बोलते हैं ना, हाँ, दादी माँ का जो दवा होती है उसमें अजवाइन हमेशा रहता है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चों का भी जो पेट दर्द होता है वो निकल जाता है, क्योंकि ये एंटी स्पैज्मोडिक है। और हरित की ये दवा त्रिफला की है, हरितका, बिभीतक और आमल की। हरित की इज अ बेस्ट लैक्सेटिव। जब भी आपकी टट्टी अच्छी हो जाएगी ना, तो अपने आप भूख में बढ़ोतरी आ जाएगी। अग्निमुख चूर्ण बनाने में भी बहुत आसान है, जिनको चाहिए वो घर में ट्राई कर सकते हैं, प्रयत्न कोशिश कर, बाजार में तो मिलेगी आपको, घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, लास्ट में मैंने लिंक दी हुई है। अग्निमुख चूर्ण बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या लेना है, भुनी हुई हिंग 10 ग्राम की मात्रा में, चित्रक मूल 70 ग्राम की मात्रा में, पिप्पली
30 ग्राम की मात्रा में, ये देखिए हींग बहुत कम डाला है ना, बच 50 ग्राम, सौंठ 40 ग्राम, अजवायन 50 ग्राम, हरीतकी 60 ग्राम है, एवं कुष्ठ जो वनस्पति है 80 ग्राम लेकर इन सभी को पृथक पृथक कूट पीस कर उसका महीन चूर्ण बना दिया जाता है। ये अग्निमुख चूर्ण नाम से जाना जाता है। इस चूर्ण को बताई गई मात्रा में मिलाकर रखने से उसको एक अच्छा सा आपको डिब्बा करना चाहिए जो एयरटाइट होना चाहिए, ज्यादा धूप में, ज्यादा क्या बोलते हैं ना, बारिश या वारा जिधर पहुंचता है उधर नहीं रखना है, सुरक्षित रखना है। ये इसकी एक साधारण विधि योग रत्नाकर में बताई गई है। इसे और किसी को लगता है कि नहीं थोड़ा सा मेरे को और चविष्ट स्वादिष्ट बनाना है, तो आप थोड़ा सा नींबू स्वरस की भावना एवं पेपर मिंट की भी भावना और मिलाया जा सकता है। इस अग्निमुख चूर्ण की प्रयोग जो है, मंदाग्नि, अग्नि का मंद होना, भूख न लगना, उदावर्त एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एवं अजीर्ण में बार बार किया जाता है। ये पाचक, अग्निवर्धक और रुचि रुचि उत्पन्न करने वाला है। कब्ज एवं पेट में जब हवा भर जाती है, जिसको हम गैस कहते हैं, तो अग्निमुख चूर्ण बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा इनडाइजेशन के द्वारा अपचन के बाद जो व्याधि होते हैं, जैसे कि अर्स है, बवासीर, पाइल्स बोलते हैं ना, मंदाग्नि, उदरशूल, एब्डोमिनल पेन, पार्श्वशूल, फ्लैंक रीजन में पेन होना, गुल्म आदि रोगों को भी अग्निमुख चूर्ण खत्म कर देता है। ये ज्यादातर ना वात एवं कफ रोग में ज्यादा उपयोगी है, पित्त व्याधि में यह ज्यादा उपयोगी नहीं है। अग्निमुख चूर्ण के एक लिस्ट बनाना चाहते हैं आप फायदेमंद, तो मंदाग्नि, भूख न लगना, खट्टी डकार आना बार बार, अजीर्ण, इंडाइजेशन, अपच, आफरा और पेट दर्द में ये काम करेगी। उसके साथ जो भी कफ विकार है उसमें ये सहायभूत हो सकती है, जैसे कि अस्थमा बीमारियां, दम दम लगता है ना पेशेंट को, उसमें भी जब अपचन के साथ दमे की शिकायत है, कब्ज साफ नहीं हो रहा है, कब्ज की शिकायत है, हाँ गैस की शिकायत है और दमे का त्रास हो रहा है, तो आप बिल्कुल अग्निमुख चूर्ण दमे की दवे के साथ साथ ले सकते हैं। अर्श बवासीर की अलग औषधियां हो सकती है, उसके साथ अग्निमुख चूर्ण जोड़ दीजिए। गैस एवं कब्ज, पार्श्वशूल, इन सभी रोगों में अग्निमुख चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? 3 से 5 ग्राम की मात्रा में भोजन से पूर्व या पश्चात, जैसा आयुर्वेदिक आपके जो फैमिली डॉक्टर है वो सलाह देते हैं, उसी के अनुसार लेना चाहिए। आमतौर पर इसे दिन में अग्निमुख चूर्ण को 2 दफा 3 ग्राम की मात्रा में जल के साथ सेवन करना फायदेमंद है। हालांकि रोग की स्थिति के आधार पर आपका चिकित्सक इस खुराक की मात्रा में थोड़ा सा कम ज्यादा एवं अनुपान में बदल कर सकता है। अग्निमुख चूर्ण आप घर बैठे बैठे निश्चित रूप से मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आगे चलते हैं। इफ एनीबडी वांट्स एनी कंसल्टेशन अबाउट हेल्थ, लाइक ब्रेन का प्रॉब्लम है, हार्ट की शिकायत है, गुर्दे की शिकायत है, लीवर का प्रॉब्लम है, हम है ना, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना पड़ेगा। एक वैधानिक इशारा हमेशा मैं देता हूं हर एक वीडियो में, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे, धन्यवाद।